कानपुर से एक बार फिर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मामला घाटमपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव का है, जहां एक बुजुर्ग किसान की निर्मम हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, हत्या के बाद पेट्रोल डालकर शव को जला दिया गया। वहीं सुबह खेत में अधजला शव पड़ा देखकर ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। आनन फानन में ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। किसान की पहचान शिवशंकर शंकवार के रूप में हुई है। पुलिस की माने तो पड़ोसी युवक ने ही किसान की हत्या की थी और पहचान छिपाने के लिए शव को जला दिया गया। थाना घाटमपुर के ग्राम दौलतपुर में आज एक 55 वर्षीय युवक की उसी के पड़ोसी युवक ने हत्या करके और सबूत बताने के लिए डेड बॉडी को जलाने का भी प्रयास किया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। जो आरोपी है उसे हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और जो भी विधिक कार्रवाई है उसे अमल में ला रहे हैं। वहीं किसान की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कल शाम को हम अपने ससुराल से मायके आए थे। शाम को हमारे साथ खाना ना खाया, खाना खा के बोले कि हम जा रहे खेत में बरसात पड़ाते हैं, मम्मी को देखने गए थे कि हम देख के अभी आ रहे हैं। वही 8-9 बजे के आसपास की बात है, ये चले गए। हम लोग अपना काफ़ी देर तक मतलब रात में बैठे रहे, सब लोग मम्मी और एक दो लोग बैठे बैठे बातें करते रहे। इसके बाद लेट गए कि पापा अपना आके जैसे डेली जाते थे वैसे ही आ गए, अपना सो जाएंगे आके। और हम लोग जान नहीं पाए, सो गए, पापा आए नहीं, आए तो रात में मम्मी जगी, देखा इधर उधर कि पापा नहीं है। तो एक दो जो लगा मतलब देखा गया तो पापा मतलब खेत में भी नहीं। इसके बाद आ गए कि चलो ऐसा ना हो, चले गए हो। इसके बाद जब सुबह हुई तो सुबह हम लोगों ने मतलब ढूंढना चालू किया, जब देखा जाके तो खेत के आग मतलब पास में आग जली थी और वहीं पे घिसले हुए पैर पड़े थे और क्या नाम ब्लड पड़ा था, उल्टी पड़ी थी। तो बस इसके बाद जब हम लोगों ने देखा तब ढूंढा जाके तो लाई के खेत में मतलब जले पड़े मिले। हालांकि पुलिस ने ये तो साफ कर दिया है कि शिवशंकर की हत्या की गई है, लेकिन हत्या के पीछे कारण क्या था इसका पता लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने पड़ोसी युवक को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ हो रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट।